प्राधिकरण हाय हाय, डोडा प्राधिकरण हाय हाय, डोडा प्राधिकरण हाय हाय। भारत माता की जय। डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, डंपिंग ग्राउंड ना, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, डंपिंग ग्राउंड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हम लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल कल सेक्टर 6 में मिलने गया था, लेकिन वहां पर वही ढाक के 3 पात रहे और नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश की भी अवहेलना कर रहे हैं और अपने आप को माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ऊपर समझते हैं। यह बिल्कुल इस क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है और मुख्यमंत्री जी को नीचा दिखाया जा रहा है। इसी विरोध में आज हमने अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और अगर अभी भी डंपिंग ग्राउंड के सिलसिले में कोई पॉजिटिव पॉइंट नहीं आया, इसको यहां से हटाने की कोशिश नहीं की, तो आगे रणनीति बनाकर हम डॉक्टर महेश शर्मा में पंकज सिंह विधायक जी को कार्य नहीं करने देंगे, नोएडा में उनको निकलना दुर्भर कर देंगे हम लोग। मेरा नाम परविंदर यादव है, भाजपा संगठन जिलाध्यक्ष गौतम नगर। साथियों, कल हमारी मुलाकात महेश शर्मा जी से हुई। महेश शर्मा जी के सामने, विधायक जी के सामने, टंडन जी के सामने मैंने सारी बातें रखी, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो विधायक जी के, वो मुख्यमंत्री जी के आदेश से उनका जो है ऊपर है प्राधिकरण, और हमें जो है उसका बहुत ज़्यादा दुख हुआ। इसी के लेकर चलते हुए आज हमने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है और ये अर्धनग्न प्रदर्शन के साथ साथ में ये आगे प्रदर्शन जारी रहेंगे और कहीं ना कहीं हमें इसका बहुत ज़्यादा दुख है। और हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप जी, हमने उनसे ही बात की है, पूरे प्रदेश में अब हम इस डंपिंग ग्राउंड के खिलाफ में, कूड़ा घर के खिलाफ में जो 123 में बन रहा है, इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, जगह जगह जो है इनके पुतले फूंके जाएंगे और बीजेपी सरकार को यहां से जो है ख़त्म किया जाएगा, उत्तर प्रदेश से इसको नष्ट करने का कार्य करेंगे। देखिए, हमारे क्षेत्र में जब योगी जी ने कहा कि नोएडा प्राधिकरण की जो अधिकार में जो जितनी भी आबादी है उसके 2 किलोमीटर दूरी पर बनेगा जो डंपिंग ग्राउंड है, तो हम सब लोगों में बहुत खुशी की लहर दौड़ी कि आबादी के दूर का आदेश कर दिया है मुख्यमंत्री जी ने। कल हमारी मीटिंग नोएडा प्राधिकरण में हुई, हमें यहाँ से बड़ी उम्मीद थी, बड़ी खुशी थी कि अब तो जाकर के जब मुख्यमंत्री जी का आदेश हो गया है तो अब तो डिसीजन हमारे पक्ष में ही आना है। क्षेत्र के लोगों के भावनाओं में को ध्यान में रखते हुए ही प्राधिकरण और हमारे जनप्रतिनिधि महेश शर्मा और पंकज सिंह फैसला लेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पर गए वही जो है एक बरगलाने वाली बातें, बहकाने वाली बातें कि इस तरह का एनर्जी वेस्ट प्लांट बनेगा या यहाँ पे ये बनेगा वो बनेगा, निस्तारण किया जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये हमारी बातों का, हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं, हमारी बातों का इन पर असर नहीं हो रहा है। उसी को लेकर के हमने कल ही ये कसम खाई कि हम लोग पहले से ज़्यादा अपने आंदोलन को तेज़ी से चलाएंगे और आज हमारा जो ये अर्धनग्न प्रदर्शन हमारे युवा क्षेत्र के युवाओं ने, पहलवानों ने किया है, ये संदेश दिया है इस सरकार को कि हमारे क्षेत्र में इंटरनेशनल पहलवान हैं, हमारे क्षेत्र में इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, एशिया गोल्ड मेडलिस्ट हैं रेसलिंग में, लेकिन इन लोगों पे कोई असर नहीं है उस बात का। हम लोग इस बात का विरोध करते हैं कि योगी जी के कहने के बावजूद प्राधिकरण नहीं सुन रहा और हम लोगों ने यह अर्धनग्न प्रदर्शन किया। कल हमारा सुबह 6:30 बजे योगा का प्रोग्राम है, हम मास्क लगा के यहाँ पर योगा करेंगे और सभी क्षेत्र के लोगों से अनुरोध है कि सभी ज़्यादा से ज़्यादा इस योगा क्लास में आएं, इस प्राधिकरण को जगाने की कोशिश करें, इस सरकार को जगाने की कोशिश करें कि हम लोगों के लिए यहाँ पर सांस लेने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस योगा डे को बनाएंगे, अपना मास्क लगा के योग करेंगे और हम ये आप पत्रकार बंधुओं के द्वारा रिक्वेस्ट करते हैं योगी जी से कि इतने असरदार मुख्यमंत्री होने के बावजूद तानाशाही प्राधिकरण की आंखें खोलें, इनको समझाएं कि मुख्यमंत्री का आदेश सर्वोपरि होता है और मरते दम तक हम ये डंपिंग ग्राउंड हटाने के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ते रहेंगे, प्रदर्शन करते रहेंगे। बहुत